नमस्कार आप सभी को। वंस अगेन सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। और क्लास कुछ वजह से नहीं चल पाए थे दो दिन से। आजकल दरअसल क्या है कि बहुत सारे शादी विवाह हैं, तो एक आध दो ऐसे फंक्शन होते हैं जहां पर अटेंड करना पड़ जाता है किसी इमरजेंसी की वजह से, प्रेशर की वजह से। तो फिर से हम लोग हैं एक बार, आप लोग डर जाइए बढ़िया से, और एक बार शेयर करके सभी लोग आ जाए शेयर करके। तो आपके सामने देखे एडियम फ्रेज की क्लास फिर से हम लोग एक बार चल रहे हैं, और इसको आगे देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे मस्त होंगे आप लोग, सभी लोग कमेंट करेंगे, जो लोग भी होंगे सब लोग कमेंट करेंगे और कमेंट करके आए आगे, और क्वेश्चन को सॉल्व करने में सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट का मतलब यह ना कि आप जब तक प्रयास नहीं करेंगे, हमारे प्रयास करने से बहुत कुछ नहीं होगा। हम प्रयास करेंगे और आप थोड़ा सा प्रयास कर देंगे तो क्रांति आ जाएगी। तो इसलिए आपको अपडेट होने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास के साथ आगे बढ़िए, मेहनत करिए, रेगुलर होइए। थोड़ा हम रेगुलरिटी में थोड़ा सा इस टाइम फेल हो गए हैं, लेकिन फिर है यह है कि आशा है कि आप आगे ऐसा होने की उम्मीद नहीं है कि रेगुलरिटी क्लास में ना हो। तो आइए देखा जाए यहाँ पे एडियम फ्रेज की अगली क्लास है ना। और बच्चों देखिए, मुझे आशा है कि आप लोग सीएचएसएल का फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, क्योंकि इस टाइम फॉर्म अप्लाई किया जा रहा है, तो आप लोग उसको अप्लाई ज़रूर करें। सभी लोग आ जाइए, सभी को नमस्कार। आपको अक्षय जी, जय हिंद, स्मार्टी अरविंद, सुधा सुधा ठीक है, साइलेंट किलर मिथुन, शान कुमार, कौशल। तो चलिए आइए देखा जाए एडियम फर्स्ट वन इज जस्ट बिफोर यू। मैं इसको सॉल्व करने के लिए चल रहा हूँ, पहले आप ट्राई करेंगे। बहुत शानदार एडियम है। देखिए इसका पूछने का तरीका, देखिए क्वेश्चन का ना मैजिक देखिए कि क्वेश्चन आजकल किस तरह से पूछे जा रहे हैं, और उन क्वेश्चन के मैजिक को थोड़ा समझना आपको। मैजिक क्या है अभी देखिए समझ में आएगा थोड़ा सा, मैं आपको बता रहा हूँ मैजिक क्या है इसमें जो आपको समझना है। इतना बड़ा मुझे लग रहा है, बहुत बड़ा है, दिख रहा होगा। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करिए, एक्साइट कर रहा हूं मैं। आंसर देने की कोशिश करें आप सभी लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग वंस अगेन अंजलि, क्यूट लड़का, स्मार्टी, कौशल, सभी को। चले द न्यू म्यूजिक सिस्टम, जो नई म्यूजिक सिस्टम है, इज टू एक्सपेंसिव फॉर अस टू बाई, हमारे लिए बहुत ज्यादा महंगी है, फॉर अस हमारे लिए बहुत ज्यादा महंगी है टू बाई खरीदने के लिए। जो नई म्यूजिक सिस्टम है हमारे लिए बहुत ज्यादा महंगी है खरीदने के लिए। यहाँ पे मैजिक क्या है आपको समझना है, समझना यह है कि जो एक अंडरलाइन पार्ट में है, ये दिए गए चार एडियम्स हैं यहाँ पे, ये हिड द बुक्स है, यहाँ पे बुक्स होना सी, ये ऐसे नहीं होना सी। हिड द बुक्स है, कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग है, एट सी है, क्यूर द चेस है, कट द चेस है। तो यहाँ पे चार एडियम्स है, देर आर फोर एडियम्स, उसमें से एक एडियम है जिस एडियम का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन अंडरलाइन पार्ट में दिया हुआ है। तो ये देखना है कि जो अंडरलाइन पार्ट में एक्सप्लेनेशन दिया है, किस एडियम का ये एक्सप्लेनेशन है, इन चारों में से एक एडियम है जिसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग कोशिश करते हैं पकड़ने की। आप लोग बहुत सारे बच्चे भी आंसर देने लगे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्यूट मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग भी मस्त रहिए, क्योंकि आप लोग ठीक रहेंगे तो पढ़ाने में पढ़ने मजा आएगा। देखिए पहला है हिट द बुक्स, मतलब होता है स्टडी हार्ड, खूब अध्ययन करना। आपने अगर पढ़ा होगा तो मैं टू डेज पहले जो क्लास लिया था उस क्लास में ये आइडियम आया था, हिट द बुक्स स्टडी हार्ड, रिपीट हो गया। देखिए यहाँ पर किसी न किसी तरह से रिपीट होता ही है, स्टडी हार्ड, खूब मेहनत करना। कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, इसका मतलब होता है कि पे मोर, पे मोर मिस होता है अत्यधिक कीमत चुकाना, इसका मतलब अत्यधिक कीमत चुकाना, ज़्यादा से ज़्यादा पे करना। एट सी मीन्स होता है कन्फ्यूजिंग, भ्रामक होता है, भ्रामक, कन्फ्यूजिंग मीन्स होता है भ्रामक। हिट द बुक्स है स्टडी हार्ड, कास्ट एंड आर्म एंड लेग्स है, लेग है, पे मोर ज़्यादा से ज़्यादा कीमत चुकाना। एट सी मतलब कन्फ्यूजिंग, जो भ्रामक है, भ्रम में पैदा करने वाला आपको है। कट टू द चेस, कट टू द चेस का मतलब होता है, देखिए अगर बात किया जाए तो एक तरह से अपमानित का सेंस है। रुक जाइए फिर एक मिनट, पहले इस एडियम का हम ढूंढ के आपको बता दे रहे हैं, टू एक्सपेंसिव फॉर अस टू बाई, अगर इसकी बात करते हैं आप लोग आंसर क्या दे रहे हैं, एक मिनट। ठीक आइए फिर से देख लेते हैं एक बार,
यहाँ पे टू एक्सपेंसिव फॉर अस टू बाई का मतलब हो गया कि हिट द बुक्स का मतलब स्टडी हार्ड, कास्ट एन आर्म एंड लेग का मतलब पे मोर होता है, एट सी का मतलब होता है कंफ्यूजिंग, और कट टू द चेस का मतलब होता है कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट, मुद्दे पर आना, मुद्दे पर आना, ठीक है, मुद्दे पर आना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें अगर बात करते हैं तो, एक ऑप्शन बी है, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा इंक मुझे लेना पड़ेगा वो डार्क में, बी इज द राइट आंसर। चले अगला है, नेक्स्ट, एज द डायरेक्टर आई हैड टू बाइट द बुलेट, आंसर बताने की कोशिश करें आप सभी लोग। एज द डायरेक्टर आई हैड टू बाइट द बुलेट, इसकी मतलब होता है, बहुत सिंपल सी बात है, थोड़ा समझना है, कठिन परिस्थिति में डटे रहना, कठिन परिस्थिति में, देख लो भाई इधर, परिस्थिति में डटे रहना, डटे रहना, कठिन परिस्थिति में डटे रहना, बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट मीन्स होता है कठिन परिस्थिति में डटे रहना। टू फोर्स पीपुल, लोगों को फोर्स करना, विवश करना, टू डू करने के लिए द राइट थिंग, सही चीजों को करने के लिए लोगों को विवश करना, ये होगा नहीं। इंश्योर इक्वलिटी, असमानता को सुनिश्चित करना, ये होगा नहीं। फोर्स वन सेल्फ, खुद को क्या करना, सुनिश्चित करना, यानी कि विवश करना, टू डू समथिंग, कुछ ऐसा करने के लिए अनप्लीजेंट, जो अनप्लीजेंट हो, अनप्लीजेंट है, आप ये बताएं कि कठिन परिस्थिति में आप होंगे तो आपके लिए अच्छा स्थिति है कि अनप्लीजेंट है, अनप्लीजेंट है, और वैसी स्थिति में भी आप डटे हुए हैं, मतलब अनप्लीजेंट स्थिति में भी खुद को आप फोर्स कर रहे हैं कि हम हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे। तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। टू इनकरेज द नीडी, जरूरतमंद लोगों को प्रोत्साहित करना, सो हमारा सी इज द राइट आंसर। सी को जो बच्चा मारेगा उसी का आंसर सटीक है और सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, टू बाइट द बुलेट, सेम एडियम देखिए, सीएचएसएल 2021-22 में पूछा है, ये भी 21-22 सीएचएसएल पूछा है, पूछने का तरीका बस थोड़ा सा डिफरेंट आ गया। यहाँ पे बाइट द बुलेट यहाँ भी है, और यहाँ पे देखिए बाइट द बुलेट डायरेक्ट एडियम दे दिया है। सो यहाँ पे आपको समझना है सेम, अभी भी मैंने बताया ना कि यहाँ पे ऑप्शन लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, तो कठिन परिस्थिति में डटे रहना अभी भी मैंने बताया, तो इसके आधार पर तो आपको आंसर दे ही देना चाहिए। हाँ, कल भी क्लास लेने की प्लानिंग है, कल भी क्लास लेने की प्लानिंग है, याद रखिएगा बाइट द बुलेट यहाँ पे, और कल क्लास लेने की प्लानिंग है, और देखते हैं कौन सी क्लास है। एक बार आप लोग 12 बजे के बाद नोटिफिकेशन देख लीजिएगा कि कौन सी क्लास लगी और किस टाइम पे। 7 बजे अगर नहीं होगी तो कल संडे है, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, किसी टाइम हो सकता है क्लास हो जाए, कुछ स्पेशल पढ़ा दें हम, लेकिन क्लास तो कल लेना है, कोई ना कोई क्लास लेना है, ठीक है। बाइट द बुलेट का मतलब वही, कठिन परिस्थिति में डटे रहना। स्टेट योर ओपिनियन ओपनली, खुलेआम अपने विचार को स्टेट करना यानी बताना। रिजेक्ट डूइंग समथिंग, कुछ करने से बचना, डिफिकल्ट जो कठिन हो, और अनप्लीजेंट जो दुखद हो, बचना है तो बचना नहीं, डटे रहना होता है ना। बाइट द बुलेट का मतलब होता है कि कठिन परिस्थिति में डटे रहना। तो टू बी ब्रेव, बहादुर होना इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थिति में ब्रेव होना, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर आप डटे हैं तो आप बहादुर इंसान, और बहादुर है तभी तो डटे रहेंगे, रिजेक्ट कर देंगे किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में, दुखद स्थिति में रिजेक्ट कर रहे हैं उसको कि चलो मैं नहीं करूंगा, हटाओ जाने दो, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। यहाँ पे सी इज द राइट आंसर, जो बच्चे सी आंसर दे रहे हैं सभी का राइट है, बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही इज नोन फॉर टॉकिंग टू फ्रेंकली। यहाँ पे देखिए अंडरलाइन में एक एडियम का, यहाँ पे देर आर 4 ऑप्शंस विच आर एडियम्स हियर, और एक ऑप्शन ऐसा है जो इसे जिसका एक्सप्लेनेशन अंडरलाइन पार्ट में दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका एक्सप्लेनेशन अंडरलाइन पार्ट में दिया हुआ है, उसको आपको चूज करना है, ट्राई करिए। तो नोन फॉर टॉकिंग टू फ्रेंकली, बहुत ज़्यादा फ्रेंकली बात करने के लिए जाने जाना है, तो जो बहुत ज़्यादा फ्रेंकली बात करने के लिए जाना जाता है उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, स्नग एस ए बट इन ए रॉक, कॉल ए स्पेड स्पेड, गो टू द एक्स्ट्रा माइल, लोज वंस मार्बल्स, बहुत बढ़िया है, ट्राई करिए, देखिए क्या कोशिश कर रहे हैं आप लोग। अच्छा, डी लगेगा, संदीप पाल भी, बिंदु, बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक, हाई कोर्ट स्टोनों का पेपर है आपका, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत बढ़िया, ट्राई करते रहिए आप लोग। देखिए पेपर कोई भी हो, थोड़ा सा दिल से लग करके दीजिएगा, जैसे आप लोग करते रहें मॉक टेस्ट के रूप में, वैसे ही आप लोग करते रहिए, ठीक है, वैसे करते रहिए, बिल्कुल मॉक टेस्ट जैसे देते हैं। हाँ, 8 बजे क्लास है, ऑफलाइन ऑफलाइन। यहां पे देखिए कि स्नग एज ए बुग इन ए रॉक का मतलब होता है अपमानित होना, अपमानित होना,
काल स्पीड, स्पीड का मतलब होता है साफ साफ कहना, साफ साफ कहना, साफ साफ कहना भाई। देखिए ओके, गो टू द एक्स्ट्रा माइल, आशा से अधिक कार्य करना, आशा से अधिक मेहनत करना, अधिक मेहनत करना, आशा से अधिक मेहनत करना। साफ साफ कहना अपमानित होना। ओके, लॉस वंस मार्बल, लॉस वंस मार्बल की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है पीछे हटना, पीछे हटना। ठीक है, अब यहां पे देखिए अगर बात करते हैं सीधे सीधे काल स्पीड, जो बी है इस राइट आंसर, फ्रेंकली बात करने वाला व्यक्ति जो होगा काल स्पीड, स्पीड होगा ऑप्शन बी इस राइट आंसर। बिट्रेड हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड, यहां पर देख लीजिए भाई, बिल्कुल चार एडियम है और चार एडियम में से आपको एक चूज करना है। चलिए बताइए, रेजिनॉल्ड बिट्रेड, बिट्रेड मीन्स होता है धोखा देना, धोखा देना। ये अंडरलाइन पार्ट में इडियम का एक्सप्लेनेशन है और जो इडियम का एक्सप्लेनेशन, इसमें से चार इडियम है जिसको आपको चूज करना है और एक इडियम का एक्सप्लेनेशन है, कौन सा वो इडियम है वो आपको चेस करना, पकड़ना है। एसएससी सीएचएस 2021-22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहा गया धोखा दिया कि रिजी नंडल ने धोखा दिया अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड को, सबसे करीबी मित्र को। इट वॉज बिग शॉक फॉर ऑल, ये सभी के लिए बड़ा झटका था। एक ब्लैक शिप देखिए, पे ब्लैक शिप का मतलब होता है कपटी, कपटी भी हो सकता है, कोई बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ब्लैक शिप का मतलब होता है कपटी के रूप में होता है, जो थोड़ा सा अधूरता करे। और यहाँ एवरी क्लाउड है से सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है आशा की किरण होना, आशा की किरण, आशा की किरण होना। ओके, फिर इसके बाद स्टैप समवन इन द बैक, किसी के पीठ में छुरी घोपना, किसी के पीठ में छुरी घोपना का मतलब हो गया किसी को क्या करना, धोखा देना, धोखा देना। ये बेस्ट ऑप्शन होगा, बेस्ट ऑप्शन, धोखा देना बेस्ट ऑप्शन होगा आपका। किसी के पीठ में इन द बैक, किसी के पीठ में स्टैप करना, छुरी घोपना, है ना। तो यहां पे सी इस तरह राइट आंसर, सी को रखेंगे जो बच्चे वो करेक्ट है। लुकिंग टू योर लॉरेल्स का मतलब होता है विजयी होने का प्रयत्न करना, होने का प्रयत्न करना, विजयी होने का प्रयत्न करना। लुकिंग टू योर लॉरेल्स, है ना, लॉरेल्स का मतलब जहां आता है वो विजयी के लिए बताता है, कुछ अचीवमेंट पाने के लिए होता है। तो यहां पे देखिए जो सटीक होगा, स्टेप समवन इन द बैक, जब कोई खंजर, कोई चाकू किसी के अंदर घोपते हैं तो वहां पे स्टेप का प्रयोग करते हैं, स्टेप कर दिया जाता है। तो किसी के पीठ में चाकू घोपने का मतलब क्या हो गया, बिट्रेड करना, धोखा। आप कहेंगे सर कपटी नहीं होगा क्या, कपटी जो होता है ना कि जैसे चुपचाप अपना काम करता रहता है, आपके साथ संबंध भी बनाए रखेगा, संबंध बिगाड़ेगा नहीं, लेकिन चुपचाप आपका शोषण करता रहेगा, आपके साथ संबंध बिगाड़ेगा नहीं, बनाए रखेगा। तो जरूरी नहीं कि धोखा दे देगा तो उसका काम बिगड़ जाएगा, काम नहीं बिगड़ने देता है, लेकिन कपटपूर्ण तरीके से अपना काम करता रहेगा, आपके साथ प्रेम भाव भी रखेगा, आपको कुछ कहेगा भी नहीं, तो ब्लैक शिप हो जाएगा। लेकिन धोखा दे दिया तो इसका मतलब आपके पीठ में नहीं कहते यार छुरी घोप दिया उसने, मैं जाना नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कार्य करेगा, ऐसा व्यवहार करेगा। सो जो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आएंगे, पॉकेट एंड इंसल्ट, पॉकेट एंड इंसल्ट की बात करेंगे। अब बताइए क्या होगा, पॉकेट एंड इंसल्ट मिस होता है क्या, सोचिए एक बार। इंसल्ट समवन स्ट्रांगली, किसी का खूब अनादर करना। रेबेल अगेंस्ट इंसल्ट, यानी कि इंसल्ट के विरुद्ध में रेबेल, विद्रोह कर देना। टॉलरेट इंसल्ट विदाउट प्रोटेस्ट, बिना प्रोटेस्ट किए, बिना विरोध किए इंसल्ट को टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करना होता है, बर्दाश्त करना। ओके, बर्दाश्त करना। इंड्योर इंसल्ट एंड प्रोटेस्ट, किसी अपमान या प्रोटेस्ट को इंड्योर करना, सहना। अब देखिए क्या होगा यहां पर, कि टॉलरेट इंसल्ट विदाउट प्रोटेस्ट, यही होगा, ये सबसे बढ़िया है, जो सी ऑप्शन, सी इज द राइट आंसर। बिना विरोध किए, बिना विरोध किए अनादर को सहना, अनादर या अपमान को सहना, बर्दाश्त करना, अनादर या अपमान को सहना, सी इज द राइट आंसर। दे रहे बढ़िया आंसर आप लोग, जी हां कंचन पटेल सी, टॉलरेट इंसल्ट, ठीक आंसर सही है। आगे चलेंगे, एप्पल कार्ट क्या होगा इसका मतलब, एप्पल कार्ट देखते हैं कितना, अब सिर्फ एप्पल कार्ट क्या होगा आंसर इसका, कोशिश करें लॉक किया जाए, एबीसीडी में से कोई एक लॉक तो करना ही होगा। अब देखते हैं कौन सा लॉक करना है हम सभी को।
आप ट्राई करेंगे उसके बाद मैं लॉक करूंगा, आपको ट्राई करना पड़ेगा क्योंकि आपका ट्राई के बगैर हमारा काम ही नहीं चलेगा यहाँ पे, है ना। मैं तो बता दूंगा लेकिन आपको भी तो गेन होना चाहिए, थोड़ा गेस करने की कोशिश करें, देखिए क्या होता है। अपसेट द एप्पल कार्ट टू बी ऑफेंड कंसिडर अनसेटिस्फैक्टरी और विथड्रॉ है स्पॉइल केयरफुल प्लान से। ऑफेंड मतलब होता है अपमानित, अपमानित ऑफेंड। कंसिडर विचार करना अनसेटिस्फैक्ट्री यानी कुछ ऐसा संतोषजनक हो जिस पर हम विचार करें। विथड्रॉ वापस ले लेना। स्पॉइल केयरफुल प्लान यानी कि जो सही प्लान है उसको स्पॉइल करना, बिगाड़ देना। कौन सा आंसर दे रहे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया खूबसूरत आंसर है, जो लोग डी आंसर दे रहे हैं इनका बहुत खूबसूरत आंसर है, डी वाला आंसर। कौन वाला आंसर भाई? डी वाला, डी आंसर रखेंगे, ठीक है। मतलब क्या है कि एप्पल कार्ड मिस होता है स्पॉइल केयरफुल प्लान्स, जो केयरफुल प्लान है, जो सही योजना बनाई गई है उसको स्पॉइल कर देना, नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना, बिगाड़ देना, योजना ही बिगाड़ देना, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर, डी को जो लोग रखेंगे उनका सटीक आंसर है, सही है, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट वन। हैंकर रहे के भाई, वन मिनट बंद करके मैं थोड़ा सा करता हूं तो सटीक होगा, देखते हैं। वन मिनट ऑन ऑफ कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेंगे आप। आंसर लगाते रहे ऐसे ही, स्क्रॉल नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा हमको लग रहा है हैंग कर रहा है कहीं ना कहीं से, तो इसको ऑन ऑफ करके जब करेंगे तो वो उसमें सटीक सही आने लगेगा अभी सब कुछ। कभी कोई मेमोरी होती है ना, इससे मोबाइल की मेमोरी होती है, वैसे इसकी भी मेमोरी होती है, थोड़ा सा डाउन होने लगती है। एप्पल कार्ड, अच्छा एप्पल कार्ड मतलब क्या होता है, यानी कि सही योजना को बिगाड़ देना, सही योजना को खराब कर देना, जो योजना बनी थी उस योजना को खराब कर देना। ओके, सही योजना को खराब कर देना, सही योजना को खराब कर देना। चलिए देखते हैं, ओपन हो गया शायद, ऐसा क्यों हो रहा है आज, बहुत स्लो हो रहा है ना। चलो आराम से देखते हैं, धीमे धीमे। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, चले सॉल्व करिए। सॉरी यार, अब सही है। चलो आ जाओ देखते हैं, यहां पे नेक्स्ट वन है, देखिए दस बिफोर यू। चलिए सॉल्व करें, द कोच वॉज ट्राइंग टू ट्विस्ट द प्लेयर्स आर्म। कोच जो होता है क्या करता है, किसी खिलाड़ी के आर्म्स को, आर्म्स को बाजू क्या करता है, मोड़ने की कोशिश करता है। ट्विस्ट का मतलब मोड़ना, क्या प्लेयर के आर्म्स को, मतलब वो क्या कह रहा है भाई, आस्किंग पूछ करे उससे, टू प्रैक्टिस करने के लिए, कह के थ्रू आउट द डे, पूरे दिन प्रैक्टिस करने के लिए वह कहते हुए जो कोशिश कर रहा था, ट्विस्ट द प्लेयर्स आर्म। तो कंसोल द वीक, कमजोर लोगों की सांत्वना देना, कमजोर लोगों को सांत्वना देना, रिफ्रेन फ्रॉम रेस्टिंग, आराम करने से बचना, ट्रेन समवन इन वारफेयर, युद्ध के क्षेत्र में किसी को प्रशिक्षित करना, ट्राई टू फोर्स समवन टू डू समथिंग। यहां पर इसका मतलब यह है, किसी को कार्य करने के लिए विवश करना, कार्य करने के लिए विवश करना, विवश करना, किसी को कार्य करने के लिए विवश करना, ठीक है।
तो यहाँ try to force someone, किसी को विवश करने की कोशिश करना, to do something, कुछ करने के लिए, D is the right answer. D is the right answer. D is the right answer. Cast aside. बढ़िया idiom है. Cast aside. चले बताएं, कोशिश करें, क्या आंसर होना चाहिए इसका. Cast aside, to display, bear with, blow up, reject. आंसर देने की कोशिश करें आप सभी लोग. बढ़िया आइडिया है, बहुत रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड, कई बार एग्जाम में आ चुका है. और जब कई बार एग्जाम आ गया है तो मुझे आशा है कि आप अच्छा कर लेंगे, और करने भी आना चाहिए आपको, क्योंकि जब तक अच्छा नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तब तक कैसे अच्छा कर पाएंगे. तो प्रयास करने से ही सब कुछ होता है. ट्राई करेंगे, सब कुछ ठीक होने लगेगा. कास्ट साइड, डिस्प्ले, उजागर करना, बियर विथ, ब्लो अप, रिजेक्ट. नंबर आपका डी सही है. रिजेक्ट कर देना है ना, रिजेक्ट करने का मतलब क्या होगा, डिनाई कर देना. रिजेक्ट कर देना, डिनाई करना, रिजेक्ट करना, ठीक है. टेक ए साइड, अलग कर देना. टेक ए साइड, टेक ए साइड होता है, टेक ए साइड, टेक ए साइड कर देना, अलग कर देना, हटा दो भाई. कास्ट ए साइड, यहां पे डी करेक्ट आंसर है. डी को रख लेंगे, इस राइट आंसर. अगला क्वेश्चन देखेंगे आप. इन योर बर्थडे सूट, क्या बात है भाई, बर्थडे सूट में आप आ गए, मतलब बिना कपड़े के आ गए, ये कहना चाह रहा है. विदाउट क्लॉथ्स, विदाउट क्लॉथ्स, बिना कपड़े के, विदाउट क्लॉथ्स. ए सूट विच इज डिजाइंड, एक सूट जो डिजाइन किया हुआ है फॉर ओनली बर्थडे फंक्शन के लिए, बर्थडे सेलिब्रेशन, बर्थडे का सेलिब्रेशन या समारोह. नॉट वेयरिंग एनी क्लोथ, कोई भी कपड़ा पहने बगैर, नॉट वेयरिंग नहीं पहना हुआ कोई कपड़ा, तो सो कौन सा ऑप्शन भाई. सी इज द राइट आंसर. सी इज द राइट आंसर. जो बच्चे सी मार रहे हैं ना, सबका आंसर सटीक है, सी को रख लेंगे. सी इज द राइट आंसर. चलिए, चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल. आप लोग इडियम मिलते हैं, अरे यारे बच्चों का खेल है, कौन नहीं कर लेगा. बच्चों का खेल है मतलब बहुत आसान कार्य है. चाइल्ड्स प्ले बच्चों का खेल है, तो भाई क्रिकेट है ये बच्चों का खेल है. रिस्ट्रिक्टेड प्ले ग्राउंड, अब सोचिए बच्चों का खेल की अंग्रेजी ये तो होगा नहीं. रिस्ट्रिक्टेड प्ले ग्राउंड यानी प्रतिबंधित जो प्ले ग्राउंड है, ऐसा जगह खेलना. एन ईजी टास्क, टास्क का मतलब काम होता है, आसान कार्य. सी इज द राइट आंसर. सी इज द राइट आंसर. ओके, सी इज द राइट आंसर भाई, बिल्कुल सटीक है. वंस इन ए ब्लू मून, नहीं कहते यार तू तो दुईस का चांद हो गया यार, दिखाई नहीं देते, गुलरी का फूल हो गया है ना, बोलते हैं गुलरी का फूल हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है. दुईस का चांद, ईद का चांद बोलते कि नहीं बोलते हैं. तो यहां पे देखिए, अगर देखा सर, दुईस का चांद नहीं कह के ईद का चांद कहते लोग. ईद का चांद किसको कहते हैं, जो कभी कभार दिखाई देता है. तो वंस इन ए ब्लू मून, ब्लू मून है ना, वंस इन ए ब्लू मून. अब यहां पे देखिए, कभी कभार चांद दिखाई दे यानी कभी कभार, कभी कभार, कभी कभार कोई काम हो जाए. जैसे आप लोग कभी कभार, कुछ में से ऐसे होंगे दिन भर सोने वाले भी होंगे, कभी कभार पढ़ते होंगे. ऐसे लोग होंगे कभी कभी जो दिन में खूब पढ़ते होंगे, कभी कभी सोते होंगे, कभी कभार सोते होंगे दिन में, ऐसे भी बच्चे होंगे. ब्लू स्काई, नीला आकाश. आन ए फुल मून डे, पूर्णिमा की रात. देखिए, आन फुल मून नाइट है, पूर्णिमा की रात होता है. फुल मून नाइट को पूर्णिमा की रात कहा जाता है. वेरी रेयरली, बहुत दुर्लभ. रेयरली का मतलब मुश्किल से, दुर्लभ, बहुत दुर्लभ से हो, बहुत कम हो. तो वही कभी कभार का मतलब वेरी रेयरली होगा, बहुत सेल्डम, बहुत कम जो आता जाता हो. एट वन टाइम इन स्पेस, नहीं. सी इज द राइट आंसर. सी इज द राइट आंसर. सीधे रहे आप लोग. उर्मिला, सुधा, सुधा ठीक है, चलिए मेहनत करिए. आरती मौर्या, कुश, कंचन, बिंदु, अनुराग, शनि. अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने. जस्ट बिफोर यू, टिक ऑल द बॉक्सेस, सारे बॉक्स को टिक करो भाई. टिक ऑल द बॉक्सेस, आंसर देना आप सभी को. जैसे आप लोग फॉर्म भरते हैं ना, फॉर्म बना रहता है, फॉर्म में कॉलम बने रहते हैं, इसको ऐसे ऐसे ऐसे, ओबीसी है, जनरल है, एससी है, एसटी है ना, मेल है, फीमेल है ना, बीए करना है, बीएससी करना, बीकॉम करना है, आप मान ले तो जो जो जरूरी है मानक उसको पूरा करते हैं आप. आपको बीए करना है तो चलिए बीएससी करना है, तो ए वाले पे बीए करना है तो बी वाले पे टिक कर दिया. आप मेल हैं तो चलिए ए वाला पे मेल है, ए पे टिक कर दिया. और आप जो है कि कुछ भी ऐसे टिक्स करना, यानी कि टिक ऑल द बॉक्सेस का मतलब सारे मापदंड को पूरा करना, सभी मापदंड पूरा करना, सभी मापदंड पूरा करना. टू एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश होना, नहीं होगा. टू मेक ए डिसीजन, निर्णय लेना, नहीं होगा. टू फुलफिल द रिक्वायर्ड नाम से, जरूरी नाम से यानी मापदंड को फुलफिल करना, पूरा करना. सी इज द राइट आंसर. से इज द राइट आंसर, बिल्कुल सटीक है. आप लोग आंसर दे रहे हैं ना, बढ़िया है. अनुराग ने सी लगाया है, अमित पाठक ने भी सी लगाया है,
मिथुन संदीप, अभिषेक, सुधा, अंजलि, ये आप लोगों ने लगा रहा है ऑप्शन जो है ना सी लगा रहे हैं, ये बहुत बढ़िया आंसर है, करेक्ट है। गेट वंस डेंजर अप, चलिए आंसर बताएं आप लोग। इसका मतलब होता है टू बी कॉट, टू बी कॉट इनटू डिफिकल्टी, इनटू डिफिकल्टी, टू बी कॉट इनटू डिफिकल्टी यानी कि कठिनाई में फंस जाना, कठिन परिस्थिति में फंस जाना, टू बी कॉट फंस जाना, इनटू डिफिकल्टी, ठीक है। रूस इनटू समवन, किसी को के भीतर घुस जाना, रूस इनटू समवन यानी कि रूस इनटू समवन मतलब किसी को धक्का देके आगे बढ़ना। ग्लेयर वेनोमसली, ग्लेयर का मतलब चमकना, वेनोमसली मतलब जहरीले तौर पर, जहरीले तौर पे, जहरीले तौर पे चमकना, कैसे ग्लेयर करना, चमकना, शाइन करना, अभिमनसली मतलब जहरीले तौर से चमकना यानी ऐसा हो जो चमक रहा हो, जहरीला हो, ठीक है। लॉस वन टेम्पर, अपना टेम्पर, अपना जो है कि गुस्सा, गुस्से में आ जाना, लॉस वन टेम्पर का मतलब गुस्से में आ जाना, टू बी एंग्री और अनवाइट। गेट इन टू ए डिफिकल्ट सिचुएशन, यहां पर कठिन परिश्रम के रूप, सॉरी डिफिकल्ट सिचुएशन के रूप में गेट इनटू सही है, डी रखेंगे आंसर। गेट इनटू पड़ जाना, कहां कठिन परिस्थिति में पड़ जाना, गेट इनटू रख लेंगे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्नेक इन द ग्रास, ये कई बार क्वेश्चन आ गया, देखिए रिपीटेड है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ईयर, एंड यू सी दैट समटाइम्स क्वेश्चंस आर गिवन बेस्ड ऑन स्नेक इन द ग्रास। जितना भी ईडीएम करा दे रहे हैं, जो भी करा दे रहे हैं ना, उसको अगर बार बार आप पढ़ लेते हैं, एक बार मेरे के द्वारा पढ़ाए हुए, इसके बाद एक बार अपने से रिविजन कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आना, ईडीएम की सारी गंदगी आपके दिमाग से दूर हो जाएगी, जो भी गंदगी भरी हुई है। स्नेक इन द ग्रास का मतलब क्या होता है, नहीं कहते हैं आरा आस्तीन का सांप है, सुना होगा हिंदी में कि आस्तीन का सांप है, आस्तीन का सांप किसको कहते हैं, एक ऐसे व्यक्ति को जो छुपा दुश्मन होता है ना, आस्तीन का सांप, छुपा दुश्मन, आस्तीन का सांप, ठीक है, आस्तीन का सांप। देखिए आजकल फेसबुक पे मैटर भी चलता है कि अगर मैं अपने आस्तीन को झोड़ दूं तो उसमें के सारे सपेरे गायब हो जाएंगे, आस्तीन का सांप, नहीं आस्तिक सांप मतलब ऐसा जगह जिसमें हम पाल कर रखते हो सांप को, नहीं कहते हैं पाले थे ना, पाला हुआ, देखिए कुत्ता आप ही को काटा है, तो आस्तीन का सांप निकला, जिस पर आपने भरोसा किया वही व्यक्ति क्या है, आप पे हमला बोल दिया। सेंसिटिव पर्सन, संवेदनशील व्यक्ति नहीं, कोऑपरेटिव पर्सन, सहयोगात्मक व्यक्ति नहीं, ट्रेचरस मतलब धोखेबाज व्यक्ति, जी हाँ सी इज राइट आंसर। और अगला है सक्सेसफुल पर्सन नहीं, ट्रेचरस का मतलब होता है कपटी या धोखेबाज, धोखेबाज व्यक्ति, धोखेबाज व्यक्ति, सी इज द राइट आंसर, ये सी को रखना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कम टू द पॉइंट हियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इनक्वायर स्ट्रेट है, इनक्वायर स्ट्रेट, इनक्वायर स्ट्रेट का मतलब होता है सी ऑप्शन है, कर्ज में होना, कहां होना, कर्ज में होना, कर्ज में होना, क्वायर स्ट्रेट, हाँ हिडन एनमी, बिल्कुल मिथुन बिल्कुल सही कहा आपने। इन प्रिजन, जेल में होना, लॉस्ट योर वे, अपना रास्ता खो देना, इन डेप्ट, कर्ज में होना, अमंग स्काउंडरल्स, नहीं, यहां पे जो ऑप्शन होगा सी इज राइट आंसर, सी 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 मारेंगे और आगे बढ़ेंगे, सी राइट आंसर है। बी अंडर ए क्लाउड, बी अंडर ए क्लाउड, चलिए आंसर दीजिए, इसको देखते हैं कि तो लॉक करते हैं किस ऑप्शन को, ट्राई करें किस ऑप्शन को लॉक करते हैं, देखना है। आंसर दे रहे हैं आप लोग, सी दे रहे हैं, क्या बात है। अभिषेक पाठक, पांडे, सी, कंचन, सी, और लोग देखें, ट्राई करें, डी दे रहे हैं कुछ, अमित पाठक आ, अरे आ हिंदी नहीं, इंग्लिश में लिखो भाई, आ आ आ, अच्छा अ, ये अ है, ये आ है, ये ई है और ये ई है, ऐसे बोले चलो ठीक है, आइए देखते हैं ये वाले कुछ लोग दे रहे हैं। देखिए बी अंडर ए क्लाउड का मतलब क्या होता है, शक के दायरे में, शक के दायरे में, या अविश्वसनीय, 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 अविश्वसनीय व्यक्ति, भाई जिस पे शक करें, अरे मुझे आदमी ठीक नहीं लग रहा है ना, उस पर आप क्या कर रहे हैं, शक करें, यदि हमें ठीक नहीं लग रहा है उस पर शक करें, अविश्वसनीय व्यक्ति हो गया आपके लिए, तो वहां पे देखिए कि अंडर ए क्लाउड,
टू हैव हिडन टैलेंट, छिपा हुआ टैलेंट रखना, ये तो पॉजिटिव सेंस देगा, गड़बड़ा जाएगा। बी वेरी हैप्पी, खूब खुश होना, नहीं। बी अनट्रस्टवर्दी, अविश्वास योग्य होना, सी इज द राइट आंसर। अनट्रस्टवर्दी, जिस पर भरोसा नहीं किया जाए, ऐसा व्यक्ति हो जाना। तो जिस पर भरोसा नहीं किया जाए वो व्यक्ति कैसा है? अविश्वसनीय है या शक के दायरे में, उस पर शक कर सकते हैं आप। सी इज द राइट आंसर, सी जो रखेगा उसका सही है। हियर द सेक, देखिए मोस्ट रिपीटेड, अभी मैं आपको बताऊं, तीन चार दिन पहले जो मैंने क्लास लिया था एडीएम का, उसमें क्वेश्चन आ चुका है और अभी मैं आज ही पढ़ा रहा था। फर्स्ट क्वेश्चन का पहला ऑप्शन का मैंने मतलब यही बताया था, नहीं नहीं, नहीं ये तो हियर द बुक था, ये कुछ और आ गया, सॉरी, ये अभी जब से पढ़ा रहे तब से पहली दार, वहां पे बुक था, हियर द बुक था, यहां पे सेक है, ये अलग एडीएम हो गया। इसका मतलब होता है सोने जाना, सोने के लिए जाना, सोने के लिए जाना। हिट द सैक, मिस द मार्क, यानी कि अवसर से चूक जाना, अवसर से चूक जाना, चूक जाना, अवसर से चूक जाना। मिस द मार्क, कंफर्म द टारगेट, टारगेट को कंफर्म कर देना, लक्ष्य को निर्धारित कर देना। कंप्लीट द असाइनमेंट, असाइनमेंट को पूरा करना। गो टू स्लीप, सोने के लिए जाना, तो कौन सा आंसर? डी, डी राइट आंसर। मुझे लगता है कि डी आप लोग कर रहे होंगे और सटीक आंसर राइट आंसर, कुछ भी सोचना नहीं है ना, राइट आंसर, और उसी को चेस करना, उसी को लेकर आगे बढ़ना है, राइट आंसर है डी आपका। चलेंगे इडियम फ्रेंड्स में, अगला है विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट, बहुत शानदार इडियम है, विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट। द एम्प्लॉय टुक द मैनेजर्स रिमार्क विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट। ट्राई करें, देखें, लॉक करें आप सभी लोग, लॉक करने की कोशिश करें, कौन सा आंसर देखिए आप लोग। ट्राई करिए, क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग, मैं आपको लॉक करवा रहा हूं और आप लोग देखते हैं क्या लॉक करते हैं। अब जिसने, जिस बच्चे ने ए डी लगाया है, दो ऑप्शन पे आकर टिके हुए हैं आप लोग, अब दो ऑप्शन पे देखते हैं क्या टिके हुए हैं, दो ऑप्शन पे आप देखते हैं कि किसका सही होता है, पढ़ने के बाद ही तो पता चलेगा आप लोगों का। ट्राई करिए ए वाला, अभी से ए पे आने लगे आप लोग, ठीक है। देखिए भाई, पिंच ऑफ साल्ट, थोड़ा सा प्रेस करिए, साल्ट का मतलब नमक, पिंच का मतलब मुक्का मारना, लेकिन यहां पे तो है नहीं बात। डाउट द ट्रूथ, सच्चाई पे संदेह करना, या वैल्यू ऑफ समथिंग, किसी चीज के वैल्यू पे संदेह करना। जैसे नहीं होता, कोई चीज खरीद रहे हो, कहता भैया ये 811 आपके कपड़ा खरीद रहे, भैया इसका कलर तो नहीं जाएगा, नहीं भैया कलर नहीं जाएगा, थोड़ा सा वास होगा, धुलेंगे, थोड़ा सा धुलेगा, तो आप कहते यार मुझे डर लग रहा है कि इसका कलर ना चला जाए, इसको छोड़ हटाओ, कोई दूसरा लेते हैं। तो अब आपको उस पर क्या हो रहा है, डाउट हो रहा है, उसकी सच्चाई पे डाउट हो रहा है, आपको उसकी वैल्यू पे डाउट हो रहा है कि यार ठीक नहीं लग रहा है ना। तो विद पिंच ऑफ साल्ट, यानी किसी की सच्चाई पर संदेह होना, किसी की सच्चाई पर संदेह होना, तो ए इज राइट आंसर। फिर डिस्टेस्टफुल, यानी कि जिसको कहते हैं घृणास्पद एंड बोरिंग, और उबाऊ होना, घृणास्पद, जिससे नफरत हो जाए, जिससे इसे बोरिंग लगे, वो काम न करना। तो यहाँ पे डिस्टेस्टफुल मतलब नफरत भरा। एवर रेडी, हमेशा तैयार रहना, टू कंडेम, निंदा करने के लिए समोन किसी का, यानी किसी की निंदा करने के लिए एकदम तैयार रहना भाई, कि अभी मौका मिला कि नहीं, निंदा शुरू हो गई। गोइंग फॉर द ट्रूथ, सच्चाई के लिए जाना, सच्चाई की खोज करना, ऑप्शन कौन सा यहाँ पे, ए इज राइट आंसर, ये को रखेंगे जो बच्चे वैसे ही हैं। मूवर्स एंड शेकर्स, मूवर्स एंड शेकर्स, बहुत बड़े बड़े इडियम आ रहे हैं, देखिए ये सब बहुत रिपीटेड इडियम नहीं है, मैं आपको बता दूं, बहुत रिपीटेड इडियम नहीं है, दो बार तीन बार एक बार ऐसे पूछे गए हैं, और मुझे तो लगता है कि अभी ये जो है सेकंड टाइम पूछा गया है, सेकंड टाइम पूछा गया है, और आप लोग थोड़ा सा प्रयास करिए, ये बहुत रिपीटेड नहीं है। अगर कोई कह दे 10 बार पूछा है कि ना, ऐसा कतई नहीं है, ठीक है, ऐसा कतई नहीं कि 10 बार पूछा गया है। ट्राई करिए आप लोग, देखिए आंसर क्या देने की कोशिश कर रहे हैं आप सभी लोग। मूवर्स एंड शेकर्स, देख रहे हैं ना, मूवर्स एंड शेकर्स, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, वाहन संबंधी कंपनी, लेबरर्स यानी कि श्रमिक होता है, मजदूर होता है, पीपल हु हैव लॉट ऑफ पावर, ऐसे लोग जिनके पास खूब ताकत शक्ति हो एंड इन्फ्लुएंस और उनका प्रभाव हो, यही नंबर सी इज राइट आंसर। यानी देखिए मूवर्स जो घूमने वाले हैं, मूव करने वाले हैं एक जगह से दूसरे जगह, शेकर जो हिलने जुलने वाले हैं, यानी कि देखे होंगे जो बहुत सारे प्रभावी लोग होते हैं, जो शक्तिशाली लोग होते हैं, उनके पास टाइम कहाँ होता है, कहेंगे भैया अभी कानपुर जाना है, भैया लखनऊ जाना है, भैया अभी यहाँ हमको जाना है, भैया हमको नोएडा जाना है, भैया हमको जो है गुजरात जाना है, हमको अमुक जगह जाना है, पटना जाना है, तो ये सब क्या चीज़ें हैं, दिल्ली जाना है, तो ये कहीं ना कहीं मूवर्स होते हैं, शेकर्स होते हैं, तो यानी कि प्रभावी व्यक्ति, शक्तिशाली एवं प्रभावी व्यक्ति,
एवं प्रभावी व्यक्ति, प्रभावशाली, प्रभावशाली व्यक्ति, प्रभावशाली व्यक्ति। ओके, तो सी इज द राइट आंसर। जो बच्चे सी आंसर दे रहे हैं सभी का सटीक है, सही है, बहुत बढ़िया आंसर। जो सी दे रहे हैं, जो सी नहीं दे रहे हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं। स्नेल स्पेस, घोंगा देखा है, घोंगा, स्नेल का मतलब घोंगा होता है, पेस मतलब चाल होता है ना, पेस मतलब चाल, घोंगे की चाल देखा है पानी में, तेज चलता है कि धीमे चलता है, आप बताओ घोंगे की चाल कैसी होती है। भाई स्नेल का मतलब होता है घोंगा, घोंगे की पेस यानी चाल, तो धीमी होती, बहुत धीरे 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 पानी में चलता है, देखा होगा ना, बहुत धीरे 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 पानी में चलता है, तो मतलब वेरी शार्प होगा, बहुत तेज, वेरी एक्टिव, बहुत सक्रिय, वेरी स्लो, बहुत धीमा, वेरी फास्ट, बहुत तेज। यहाँ पे सी इज द राइट आंसर, स्लो होगा, स्लो है ना, सी बी, अच्छा सी, चलिए स्लो, हाँ हाँ सी बिल्कुल होगा, सी करेक्ट जो दे रहे हैं, सी करेक्ट आंसर है। एडियम फिर आगे देखिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, मैं मिनिमाइज कर रहा हूं इसको, ट्राई करिएगा, देखिएगा। हिज मेंटर, उसका जो मेंटर था, अंडरस्टूड, समझ गया द डीप एंग्विश, गहरी पीड़ा, एंग्विश का मतलब क्या होता है, पीड़ा, गहरी पीड़ा को समझ गया, किसकी, एंग्विश, द स्टूडेंट वॉज गोइंग थ्रू, जिस पीड़ा से विद्यार्थी गुजर रहा था, गो थ्रू का मतलब गुजरना, यानी कि जो मेंटर था, सुधारक था, जो कोच था, वह समझ गया गहरी पीड़ा है ना, गहरी पीड़ा, जिस पीड़ा से द स्टूडेंट वॉज गोइंग थ्रू, जिस पीड़ा से स्टूडेंट क्या कर रहा था, जा रहा था। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, किसी चीज़ को समझ जाना कि बिना, यानी कि किसी चीज़ को गूढ़ अर्थ को समझना, हिडन मीनिंग को समझ गया, जो नहीं वो बताया, उसकी पीड़ा को समझ गया, तो ऐसे में क्या होता है, रीड बिटवीन द लाइन, रीड बिटवीन द लाइन, रीड बिटवीन द लाइन होता है, रीड बिटवीन द लाइन का मतलब होता है गूढ़ अर्थ समझना, गूढ़ अर्थ समझना, गूढ़ अर्थ समझना, ऐसे ऐसे इडियम आ रहे, एक्सप्लेनेशन अंडरलाइन में दिया है और चार इडियम दे दिया यहां आपके सामने, गूढ़ अर्थ समझना। ब्रेक लेग का मतलब होता है गुड लक, ये रिपीट हो गया, देखिए अभी तीन चार दिन पहले जो क्लास लिए तो उसमें ब्रेक लेग आया था ना, किसी को जब आप गुड लक बोलते हैं, नहीं कोई जाता है भैया बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, तो अंग्रेजी में इडियम क्या होता है उसके लिए, ब्रेक लेग होता है। डाउन फॉर द काउंट, डाउन फॉर द काउंट का मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट टू द कोर्ट, कोर्ट के सामने होना, अपोजिट, जैसे मैं इधर हो गया, मेरे सामने कोई खड़ा हो गया, तो क्या हो गया, एक दूसरे के अपोजिट ही तो है हम, तो कोर्ट के सामने होना मतलब अपोजिट टू द कोर्ट होना, ठीक है भाई। इन द फास्ट लेन, यानी कि तेज चाल में होना, तो यहां पे जो सही है हमारा ए इज द राइट आंसर, जो बच्चे दे रहे हैं इज द राइट आंसर, राइट आंसर वो सही है। स्ट्रेन एवरी नर्व, नर्व मतलब नस या नाड़ी होता है ना, नस, नस जानते हैं, नस, हाथ की नस, जो खूब मेहनत करता है, सोचिए गांव के किसान को देखे होंगे या जिम में जो बॉडी बिल्डर होते हैं, उनकी नसें मोटी मोटी हो जाती हैं, पूरा दिखाई देने लगती हैं, बॉडी की नस, पैर की नस है ना, चेस्ट के बगल की इधर की नस जो होती है दिखाई, गर्दन की नस ऐसी करते हैं दिखाई देने लगती है, तो वो कब होता है, जब खूब मेहनत करते हैं तब वो नस दिखाई देती है, जब खूब मेहनत करेंगे तब। तो स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब क्या होता है, खूब परिश्रम करना, खूब परिश्रम करना। ओके, बढ़िया आइडियम है, देखिएगा ये बहुत रिपीटेड है, मोस्ट रिपीटेड, बहुत बार रिपीटेड है, 50 से 60 बार, इससे कम नहीं। फाइट विथ फ्रेंड्स, मित्रों के साथ लड़ाई करना नहीं, फील फिजिकल पेन, शारीरिक पेन को महसूस करना। कल क्लास रहेगी या नहीं मॉर्निंग में सर, भाई ऑफलाइन क्लास है भाई, बोल दिया तो बोल दिया, एकदम एग्जैक्ट है तो है, ऑफलाइन क्लास मॉर्निंग 8 बजे है, और ऑनलाइन भी क्लास रहेगी दोपहर के बाद, एक टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा, अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा तो ऑनलाइन क्लास के लिए वो आपको लगा रहेगा थंबनेल, और नहीं तो 7 PM पे आपका चलेगा एडियम, तो उसको पढ़िएगा फिर आप लोग, संडे है। टू ट्राई एक्सट्रीमली हार्ड टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए एक्सट्रीमली खूब कठिन परिश्रम ट्राई करना, कोशिश करना, सी इज द राइट आंसर। हैव इल हेल्थ, खराब स्वास्थ्य होना नहीं, सी इज द राइट आंसर, सी जो बच्चा कर रहा है उसी का राइट आंसर है। जंप द गन, जंप द गन, अब देखिए यहां पे जंप द गन, एडियम देखिए रिपीट हो गया, अभी मैं बताऊं 3 दिन पहले आया था एडियम, जंप द गन, अगर रेगुलर कर रहे होंगे तो ये चीज आपको आइडिया लग रही होगी, रेगुलर क्लास नहीं कर रहे होंगे मेरी, तो हालांकि 2 दिन मैं खुद ही रेगुलर नहीं था यार, मैं आपको क्या रेगुलर बताऊं फिर, लेकिन फिर भी जिस दिन क्लास चलती है उसको करते रहिए, अब आगे रेगुलरिटी हो जाएगी, मंडे से तो लगातार रेगुलर रहेंगे हम, उसमें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जंप द गन क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग इसमें, आंसर क्या दे रहे हैं देखते हैं आप लोग, रिपीटेड है,
ए इज द राइट आंसर, यही होगा। हाँ टू सून, बहुत बढ़िया, टू सून बहुत शीघ्र, बहुत जल्दी है ना, बहुत जल्दी, वेरी सून, टू सून, वेरी सून, बहुत जल्दी कोई काम होना, स्टार्ट समथिंग, कुछ शुरू करना, टू सून है ना, बहुत जल्दी, और एक्ट हैस्टली या बहुत तेजी, हैस्टली का मतलब बहुत तेजी के साथ काम करना, बहुत तेजी के साथ शुरू करना, इज राइट आंसर। देर इज ऑलवेज ए कॉस्ट टू डू समथिंग, कुछ करने की कीमत हमेशा होती है। वॉच ए पर्सन केयरफुल्ली, किसी व्यक्ति को ध्यान से निगरानी करना, देखना। इंटेंशनली रेज, इरादे से कोई चीज उठाना। ए फॉल्स अलार्म, इरादे से गलत सूचना पहुंचाना या किसी की बुराई करना, आलोचना करना है ना। एराइज रेज ए फॉल्स अलार्म, यानी कि किसी की बुराई आलोचना करना। फिश आउट ऑफ वाटर, पानी के बाहर अगर मछली आ गई तो क्या इसका मतलब है, सोचिए। नहीं कहते यार बिन पानी की मछली की तरह बेचारा तड़प रहा था, कि तो उसका मतलब क्या है, कि बेचैन होना, बेचैन। तो आप बताइए आंसर, ये नए बच्चे के लिए, न्यू कमर के लिए है, और ये तो इतना रिपीटेड है यार ना, कि अब इसको क्या बताया जाए। ये तो आप खूब मोहरा सुनोगे कि बिन पानी की मछली की तरफ तड़पना, तो मतलब क्या है, बेचैन होना। वेरी एडवेंचरस, बहुत साहसिक भरा कार्य, एडवेंचरस का मतलब होता है साहसिक भरा कार्य। बींग अनकंफर्टेबल एंड रेस्टलेस, रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन, बेचैन। अनकंफर्टेबल मतलब होता है वही बेचैनी भरा, बेचैन, बेचैन और रेस्टलेस हो जाना, होना, ठीक है। बीस राइट आंसर, बहुत शानदार आंसर, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप लोग। ऑलवेज कंफर्टेबल, हमेशा आरामदायक नहीं, नॉइजी, नोजी एट फॉर्म नहीं, यहां पे नॉइजी होना चाहिए था। आगे चलेंगे, नेक्स्ट वन है ऑप्शन चॉइस, चलिए आंसर दीजिए। बढ़िया, बहुत मोस्ट रिपीटेड है, ये भी 100, 125, 150 बार आया कम से कम। एक साल में मैं बताऊं कि टोटल अगर देखा जाए तो IMTS और CHSL और CGL टीयर 1 टीयर 2 का अगर देखा जाए, CPSI का देखा जाए, स्टेनोग्राफर का देखा जाए और ADM मिलाकर टोटल देखा जाए, तो पेपर अगर हम बात करते हैं तो टोटल जो शिफ्ट्स होते हैं वो कम से कम 150 शिफ्ट्स होते हैं, और इस 150 शिफ्ट्स में अगर देखा जाए लगभग 140-150 के आसपास शिफ्ट्स होते हैं, तो उनमें से अगर देखा जाए तो एक ADM ऐसा होता है जो 7-8 या 5-6 में तो पूछ ही दिया जाता है। अगर ऐसे ही 15 सालों का अगर आंकड़ा हम निकालते हैं, पहले हालांकि सेट कम होते थे लेकिन 4-5 साल से ज़्यादा सेट्स हो रहे हैं 6 साल से, तो इधर ही अगर बात करते हैं तो 8 साल के अंतराल में ही कम से कम 100-125 बार ये पूछे गए हैं। सो क्लियर करिए, बी आंसर दे रहे हैं आप लोग। चूज द वर्स्ट ऑप्शन, क्या बात है, चूज द बेस्ट ऑप्शन, क्या बात है, ए चॉइस दैट इज प्रेजुडिस्ड, ए चॉइस पोस्ट अपॉन समवन। देखिए इसका मतलब होता है विकल्प का अभाव, विकल्प का न होना, विकल्प का अभाव। जब विकल्प का अभाव नहीं होता है तो कोई भी चीज आपको दे दी जाएगी तो आपको उसको मानना पड़ेगा। कहते हैं अरे सर, जैसे आप गए कुछ खरीदने के लिए, मतलब गोभी खरीदने गए, सब्जी लेने गए, और चलते भाई साहब रात में गए 9:30 बजे गोभी लेने, और गोभी वहां पे क्या है, एक ही दो बची है, और वो भी छटी हुई गोभी बची है जो खराब थी। अरे भैया और नहीं रखे क्या गोभी, नहीं भैया बस यही है। अरे यार क्या बताएं, और सब्जी कोई नहीं भैया बस यही है। कैमरा बंद हो गया क्या? मैं फिर से आ गया हूँ, कोई बात नहीं। कैमरा एक डिस्चार्ज था और बटन ऑन नहीं थी वहाँ से चार्जिंग की, तो इसलिए स्विच ऑफ हो गया, तो भी मैं ऑन कर दिया हूँ, ठीक है। चले ये क्या हुआ, अभी दिखाई देगा, दिख गए हम, चलो आइए देखते हैं। यहाँ पे विकल्प का अभाव होना, जब विकल्प वहां पे क्या होगा, जब दो गोभी होगी तो आपको एक लेना ही पड़ेगा वहां पे, तो अब आपकी मजबूरी बन गई, व्यवस्था बन गई। तो यहाँ पे क्या है, चूज द बेस्ट ऑप्शन, कहाँ बेस्ट ऑप्शन होगा, सबसे खराब ऑप्शन चुनना। और विकल्प का अभाव में मतलब आपके पास अभी एक दो गोभी है जिसमें से एक चुन सकते हैं, विकल्प कम है, तो चॉइस दैट इज प्रेजुडिस, जो पूर्वाग्रह से ग्रसित चॉइस हो, विकल्प हो। चॉइस फोर्स्ड अपॉन समवन, किसी के ऊपर फोर्स की गई चॉइस हो कि वही लेना है भैया और कोई नहीं, लेना हो तो ले लीजिए आप, तो डी वाला आंसर आपका करेक्ट है। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट वन इज जस्ट बिफोर यू।
फेस अप टू, ट्राई करिए, फेस अप टू। कठिन परिस्थिति का सामना करना, कठिन परिस्थिति का सामना करना अगर बात करते हैं यहां पे, तो लुक इनटू फेस किसी के चेहरे के भीतर देखना नहीं, टू एक्सेप्ट ए डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी कठिन परिस्थिति को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करने का मतलब उसका सामना करना, उस चैलेंज को आप क्या है एक्सेप्ट कर रहे हो कि मुझे करना है। तो यहां पे बी इज द राइट आंसर, बी को चूज करेंगे। पर्सनली मतलब होता है व्यक्तिगत तौर पर, आफ्टर द फेस ऑफ, है ना, आफ्टर द फेस ऑफ नहीं, जो बी इज है ना, बी इज द राइट आंसर, बी को चूज करना है। सो बेस्ट ऑप्शन विल बी द बी, एंड बिकॉज फेस अप टू मीन्स होता है कि कठिन परिस्थिति का सामना करना, सो हम जो लोग रखेंगे बी इज द राइट आंसर। क्लियर है ना? हाँ, बी वाले करेक्ट हैं। चलिए, रनिंग रोइन क्या लिखा है, रनिंग अराउंड द इन सर्किल्स, द टीम मेंबर्स सीम टू बी, टीम के सदस्य लग रहे हैं रनिंग अराउंड इन सर्कल्स, ट्राई करिए तो आप लोग देखिए क्या है, टू बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, हार्डली एनी टाइम टू बी ब्रेथ, टू बी वेरी एक्टिव बट विथ फ्यू रिजल्ट, वेरी डायनेमिक एंड हार्ड वर्किंग, रनिंग अराउंड इन सर्कल्स। सोचिए, गोल गोल घूमना, नहीं कहते क्या यार मुझे गोल गोल घुमा रहे हो यार, सही बताओ क्या करना है, गोल गोल घुमा रहे हो को मतलब सही बताओ क्या करना है, मतलब मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना? तो अगर ऐसे बात करें तो देखिए, टू बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, खूब सफल होना नहीं भाई, मेहनत तो कर रहे हैं रिजल्ट नहीं मिल रहा उस हिसाब से, हार्डली एनी टाइम टू ब्रेथ, सांस लेने के लिए शायद ही कोई समय, नहीं कहते हैं अरे भैया सांस लेवे के फुर्सत नहीं है यार, इतनी काम आता है, रुका दो मिनट यार थोड़ा सा आराम ले लवे दा, होता है ना भोजपुरी में लोग बोलते हैं इस तरह से। तो टू बी वेरी एक्टिव बट विथ ए फ्यू रिजल्ट, खूब एक्टिव होना, खूब सक्रिय होना लेकिन बट विथ फ्यू रिजल्ट, नहीं के बराबर रिजल्ट प्राप्त होना, सी इज द राइट आंसर, वही गोल गोल घुमाना, किसी को सटीक मुद्दे पर न लाना, ठीक है, केवल काम मेहनत करवाना, सी इज द राइट आंसर, वेरी डायनेमिक, बहुत क्रियाशील होना एंड हार्ड वर्किंग होना नहीं, रिजल्ट वाला सही है, सी इज द राइट आंसर। हेट एंड हार्टी, चलिए भाई बताइए आंसर, ट्राई करिए, ट्राई करिए, हेट एंड हार्टी, देखते हैं क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का, मोहम्मद अकबर, विशाल चौहान पीलीभीत वाले, ठीक है, जिला का नाम पीलीभीत। चलिए, हेट एंड हार्टी का मतलब होता है स्वस्थ एवं ताकतवर, स्वस्थ एवं ताकतवर, हेट एंड हार्टी, स्ट्रांग, स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रांग एंड हेल्दी, यही क्या है, ये करेक्ट आंसर है। एंग्री बट हैप्पी, क्रोधित लेकिन खुश हो जाना, वीक एंड इल यानी कि कमजोर और बुरा व्यक्ति, क्लमजी बेढंगा होता है, बेढंगा, एंड काम और शांत, इसका मतलब होता है बेढंगा, बेढंगा। तो कौन सा आंसर है, ए इज राइट आंसर, बहुत बढ़िया, जो लोग ए लगा रहे हैं ए करेक्ट है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बिल्ली को बैग से बाहर आने दो, मतलब नहीं कहते यार इसमें बैगवा में क्या रखी हो, भैया अभी बता रहे हैं क्या रखे हैं, तो जब खोलेंगे तो बिल्ली को बाहर, अच्छा कैट थी यानी कि सेक थी, पता नहीं चला, उजागर करना, इसका मतलब होता है रहस्य उजागर करना, रहस्य उजागर, उजागर करना, ठीक है भाई। तो बी काइंड, दयालु होना, बी फनी मजाकिया होना, रिवील अ सेक्रेट, किसी रहस्य का उजागर करना, सी इज द राइट आंसर, रिवील अ सेक्रेट, किसी रहस्य का उजागर करना, बी वेरी ट्रूथफुल, सच्चा व्यक्ति होना नहीं, सी इज द राइट आंसर, सी जो बच्चे कर रहे हैं उनका राइट आंसर है, सी वालों का। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन ची, देखिए रिपीट हो गया, अभी 4 दिन पहले एक क्लास लिया था, वहां पे आईडियम आया था, फिर रिपीट हो गया, या तो सीजल टीयर वन में था या सीएचएसएल के पेपर में दिया हुआ था, फिर इसको रिपीट कर दिया गया। सो चलिए आंसर देने की कोशिश करें, आप लोग क्या दे रहे हैं कोशिश में, अपनी कोशिश करें और उसमें पता चल जाएगा क्या आंसर आपका। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन सी, यानी कि क्षमता से ज्यादा जिम्मेदारी ले लेना, क्षमता से ज्यादा या अधिक जिम्मेदारी, इतना काम ले लेना जो आप कर ना पाए, करने में आपको दिक्कत हो, इतना काम ले लेना जो करने में दिक्कत हो। वर्क वेरी हार्ड, खूब परिश्रम करना, टू अकम्प्लिश, पूरा करने के लिए, जॉब, जॉब को हासिल करने के लिए, कम्प्लिश का मतलब हासिल करना,
नौकरी हासिल करने के लिए खूब परिश्रम करना, टेक ऑन मोर वर्क, ज्यादा से ज्यादा काम लेना देन यू कैन हैंडल, जिसको आप हैंडल कर सके उससे ज्यादा काम ले लेना। हैंडल मतलब किसी चीज से निपटना, काम को पूरा करना, हैंडल का मतलब पूरा करना, काम को पूरा करें, हैंडल करें, उससे ज्यादा काम ले लेना। तो बी इज राइट आंसर, ट्राई टू डू समथिंग दैट इज वेरी इजी, बहुत आसान काम करना नहीं, इजी नहीं है, ज्यादा कठिन हो जाएगा। यूज ऑल पॉसिबल ट्रिक्स, सारे संभावित चालबाजियों का प्रयोग करना टू अचीव सक्सेस, सफलता हासिल करने के लिए सारी चालाकियों का सामना करना, सारे ट्रिक्स का यूज करना। तो यहाँ पे जो आंसर है ना, बी इस तरह आंसर बी को रखेंगे करेक्ट हो जाएगा, मुझे आशा है आप लोग समझ रहे होंगे। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, चलो हिंदी लिखकर बताओ या इसका एक्सप्लेनेशन लिख के बताओ आप लोग, वैसे भी मार दोगे ऑप्शन तो समझ में आ जाएगा, वो हो क्या हो गया ये। चलिए फिर से आज देखिए, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, आंसर बताने की कोशिश करिए। मजे आ रहे हैं पढ़ने में, मूसलाधार बारिश होना है ना, इन टॉरेंट्स कहते हैं जिसको, इन टॉरेंट्स, मूसलाधार बारिश, इन टॉरेंट्स का मतलब मूसलाधार बारिश, ए डेंजरस सिचुएशन, एक खतरनाक स्थिति, रेनिंग हैवली, मूसलाधार बारिश होना, नंबर बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। इन टॉरेंट्स मतलब भी मूसलाधार होता है और रेनिंग हैवली मतलब भी मूसलाधार होता है ना। यहाँ पे क्या है कि प्लेस फुल ऑफ एनिमल्स, जानवरों से लबालब भरा हुआ जगह, एनवाइजी प्लेस, एक जो अराजकता भरा या शोरगुल भरा, जो पेंडोमोनियम जैसा भरा हुआ जगह हो, शोरगुल भरा जगह, तो यहां पे बी राइट आंसर बी को रखेंगे करेक्ट हो जाएगा। ए ड्रीम ए डजन, चलिए आसान क्वेश्चन है और ट्राई करेंगे तो आपको समझ में खूब आ जाएगा, मन से आ जाएगा, थोड़ा सा कोशिश करना आपको, ठीक है, कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ट्राई करिए, आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आप लोगों का एसएमएस देखने से पता चलेगा आप लोग क्या कर रहे हैं। हाँ मूसलाधार बारिश जवाब बता रहे हैं, सही है, हमने कहा आसान क्वेश्चन है, मैंने हिंट दे दिया हुआ है हिंट दे दिया है, उस हिंट को समझने की कोशिश करिए आप लोग। एडिमर डजन, वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, बहुत कठिन होना नहीं, वेरी कॉस्टली, बहुत महंगा होना, एंड रेयर, और दुर्लभ तरीके से प्राप्त होना है ना, बहुत महंगा होना और कभी दुर्लभ ही शायद मिल पाए, रेयर, रेयर मतलब दुर्लभ, जो बार बार ना हो ना बार बार दिखाई दे, कॉमन एंड इजीली अवेलेबल, आसानी से और सामान्य जो होता है, सामान्य जो हो और आसानी से जो अवेलेबल हो, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सी, मैंने हिंट दे दिया था, आसान इडियम है, मतलब इजिली अवेलेबल, पाया जाना आसानी से, पाया जाना। अगला यहाँ पे देखिए इडियम है आपके साथ, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, बहुत बढ़िया आइडिया है ये, बहुत मोस्ट रिपीटेड, बहुत रिपीट होता है, बहुत रिपीट, अन दे किसी को अनदेखा करना, पे नो अटेंशन टू समवन, पे नो अटेंशन टू समवन, जिसको कहते हैं ना कि पे नो अटेंशन टू समवन, टू समवन, पे नो अटेंशन टू समवन, किसी को ध्यान नहीं देना, पे नो अटेंशन टू समवन, चले इग्नोर समवन, अगर किसी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, पे नो अटेंशन टू समवन, किसी पे अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उसको क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, किसी की उपेक्षा ही तो कर रहे हैं, अनदेखा ही कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, इसका मतलब अवॉइड कर रहे हैं उसको, अवॉइड समवन भी कह सकते हैं, अवॉइड समवन, अवॉइड समवन, ठीक है, किसी को अवॉइड करना भाई, प्रेस हार्ड, जोर से दबाना, ट्रीट क्रुएली यानी निर्दयता पूर्वक व्यवहार करना, ट्रीट समवन नाइसली, प्यार से किसी के साथ ट्रीट करना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये रखेंगे करेक्ट आंसर है। गो बैक टू द ड्राइविंग बोर्ड, आज का लास्ट स्टेडियम है मेरे ख्याल से, आज का लास्ट स्टेडियम है, ठीक है, गो टू द ड्राइविंग बोर्ड, गो बैक टू द, वापस जाना ड्राइविंग बोर्ड के, वापस जाना यानी कि वापस फिर कहां जाना, ड्राइविंग बोर्ड के पास जाना, मतलब कोई कार्य फिर से शुरू करना, कोई कार्य फिर से शुरू करना, गो बैक टू द ड्राइविंग बोर्ड, जहां से नहीं कहते बेटा जहां से शुरू किए थे फिर जाओ, वहीं से फिर से जाओ, जैसे आप कूदते हैं कभी कभी फाउल हो गए बेटा फिर से जाओ लौट के जाओ फिर वहीं से स्टार्ट करो, तो गो टू द ड्राइविंग बोर्ड का मतलब है फिर से कार्य को शुरू करना, स्टार्ट बैक टू द ड्राइविंग बोर्ड,
ड्राइविंग बोर्ड से शुरू करना मजा भी नहीं आ रहा, रुके देखते हैं कोई ऑप्शन बढ़िया मिल जाए। वर्क हार्ड टू सक्सीड, सफल होने के लिए कठिन परिश्रम करना, नहीं ये नहीं होगा। गो बैकवर्ड्स एज रोड इज क्लोज, जब रोड बंद होता है तो पीछे जाना नहीं। हैव ए टोटली डिफरेंट स्ट्रेटजी, बिल्कुल अलग स्ट्रेटजी होना नहीं। जो आंसर होगा कोई सटीक नहीं बैठ रहा हो तो ये इज राइट आंसर। स्टार्ट बैक, गो बैक का मतलब स्टार्ट बैक, फिर से शुरू करना। टू द ड्राइविंग बोर्ड, यहाँ कहाँ से, ड्राइविंग बोर्ड से फिर से शुरू करना, यानी कोई काम स्टार्ट बैक, फिर से वापस जाके स्टार्ट करना। तो ये इस तरह राइट आंसर सबसे सटीक ही होगा, क्योंकि और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो सटीक हो। अगर देखते हैं इसमें अगर एक ऑप्शन और मिलता है क्या, नहीं है। लास्ट क्वेश्चन था आज का और इतने क्वेश्चन हम लोग पढ़े, लगभग एक घंटे की क्लास थी, है ना। तो मुझे आशा है कि आप लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अच्छे से होंगे। और कल क्लास होगी, कल क्लास के लिए आप एक बार देखिएगा कि या तो एडीएम फ्रेश का शाम को लेंगे 7 PM पे, या कोई मैराथन क्लास अगर लेते हैं तो मैराथन क्लास होगी और उसकी टाइमिंग 3 बजे 4 बजे के बाद ही होगी। मैं हम लोग उसका 11 बजे तक लगा दूंगे, 11 बजे 12 बजे तक, जो भी लगाना होगा, ठीक है। वो सूचना आपको जाके यूट्यूब पर दे सकते हैं, पता चल जाएगी। लेकिन कल क्लास कोई ना कोई जरूर लेंगे, क्लास बंद नहीं होगी, दोपहर के बाद होगी, एक बार आप लोग सर्च कर लीजिएगा। और वैसे टेलीग्राम पर देखेंगे तो मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा, लेकिन एक बार थोड़ा सा 12-1 बजे के बाद ट्राई करिएगा, देखिए क्या है वहाँ पे, ठीक है। थैंक यू, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, मुलाकात होती है। गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस नाइट।